फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटे का बटन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों वीडियो को आप देखिए और आप भी जानिए कि हम हिबिस्कस प्लांट के अंदर इतने अच्छे अच्छे ब्लूम हम किस तरह से ले सकते हैं। फूलों की सुंदरता आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने दो या चार मेथड बताए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और इतने अच्छे आप ब्लूम आराम से इसमें ले पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को इन्जॉय कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। फ्रेंड्स, ये आपके सामने हिबिस्कस का प्लांट है और आज मैं इसके अंदर कुछ अपनी खाद और दो तीन चीज़ें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 1 रुपए के अंदर आप इतने अच्छे अच्छे ब्लूम किस तरह से ले सकते हैं, और वो ट्रिक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों गुड़हल के प्लांट के अंदर अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहले आपको जितनी भी आपकी पीली पड़ी हुई पत्तियाँ हैं, देखिए इस तरह से आपको ये सारी हटा देनी है। देखिए ये वाली बिल्कुल पीली हो चुकी है, ये हमारा प्लांट को जो एक्स्ट्रा फूड है वो लेती हैं, इसको हमें निकाल देना है। और जितनी भी बाकी हमारी ये देखिए ये बड है, ये सूख कर इसके अंदर सीड पॉड बनना स्टार्ट हो गया, ये भी हमें निकाल देनी है, हमें सीड पॉड इसमें नहीं बनने देनी। ये देखिए एक और ये एक प्लांट है जो कि सूख चुका है, इसको भी हमें निकाल देना है। फ्लावर को भी हम निकाल देंगे, देखिए फ्लावर भी मैंने निकाल दिया है, और बाकी जितनी भी पीली पड़ी जो पत्तियां हैं उन सबको निकाल देनी है। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फूड लेती है। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे खाद की। इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट और बोन मील मिक्स किया हुआ है, 100 ग्राम आप ले सकते हैं और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बोन मील ले सकते हैं, और आप उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक ये आपको अच्छी फ्लावरिंग नहीं देगा। बोन मील कॉमनली फ्लावर्स के लिए यूज़ होता है और ये बेस्ट मेथड है फ्लावर्स लेने का। तो देखिए इसको दोस्तों मैंने मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसको अपने गमले में डालूंगा, और गमले में डालने से पहले आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपकी जितनी भी ये सारी पत्तियाँ सूखी हुई हैं या टहनियाँ हैं आपको उनको सबको हटा लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम करती है फंगस लाने का। अगर आप इसके साथ ही इसको प्लांट को वाटरिंग डाल देंगे और खाद डाल देंगे तो इसके अंदर फिर बाद में फंगस लगने का जो खतरा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले खाद डालने से पहले आपको इसकी हल्की सी गुड़ाई करनी होगी, और आप ये काम हमेशा शाम को कीजिए, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में यही बताया हुआ है। बहुत हल्की हल्की इसके हम अंदर गुड़ाई करेंगे ताकि हमारी जो खाद और पानी है वो अच्छे से इसके अंदर जा पाए। तो दोस्तों देखिए आपको करीब साइड साइड से जो मिट्टी है ये करीब 1.5 इंच तक आपको खोद लेनी है, जिस तरह से मैंने खोदी है आपको दिख रही है, और साइड की मिट्टी आप वहीं पर ही रहने दीजिए। देखिए 1.5 इंच तक ये मैंने खोदी हुई है, और इसके बाद आपको आपकी जितनी भी सारी खाद है वो आपको ये जो साइड का ये गड्ढा दिख रहा है देखिए इसके अंदर आपको ये डाल देनी है। इससे ये हुआ कि आपको जो भी आपकी स्टैम्प है उसके ऊपर ये खाद नहीं जाएगी, वरना स्टैम्प के पास अगर आप खाद डालेंगे तो वो आपकी स्टैम्प ख़राब हो सकती है। देखिए ये साइड में आपको इस तरह से डालनी है, और डालने के बाद आपको ये मिट्टी इस तरह से भर देनी है। मिट्टी हम इसलिए भरते हैं ताकि जो भी हमारा प्लांट है उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हल्की सी आपको जड़ें ऊपर से हट जाएंगी तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको चारों तरफ अपने प्लांट की जितनी भी ये खाद और बोन मील है इसको अच्छे से डालकर, और आपको मिट्टी को फिर से दोबारा से कवर कर देना है, और पूरे प्लांट में आपको ये डालना है। करीब 100 ग्राम आप खाद ले लीजिए, ये देखिए अच्छे से चारों तरफ आपको ये डालना है। दोस्तों देखिए ये मैंने खाद अच्छे से डाल दिया और उसको पूरा ढक दिया है मिट्टी से, और अब आप बारी है इसके अंदर वाटरिंग करने की। तो हम जो वाटरिंग करेंगे वो बहुत ही अच्छे से करेंगे, मैं पहले स्प्रे से कर रहा हूँ ताकि मिट्टी के अंदर हमारी गड्ढा ना बने बिल्कुल भी। स्प्रे से करने के बाद मैं मैनुअली अच्छे से इसके अंदर पानी दे दूंगा, और हर जगह आपको पानी इसमें देना है ताकि खाद जो है हमारी वो अच्छे से जड़ों तक बहुत ही अच्छे से पहुंच सके। तो ये मैंने डाल दी है। तो दोस्तों देखिए ये है वो लास्ट सीक्रेट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉफ़ी। कॉफ़ी को आप अपने हिबिस्कस प्लांट के अंदर डालिए और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर एसिडिक वैल्यू काफ़ी होती है।
और ये आपके सोइल को पूरी एसिडिक बनाएगा। तो चलिए इसको डालते हैं। दोस्तों देखिए कॉफ़ी का पाउच मैंने खोल लिया है और इसको करीब मैं 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी में डालने वाला हूँ। ये देखिए देखिए दोस्तों, मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। इसको डालने से पहले आप थोड़ी गुड़ाई कर लें और इसको शाम के वक्त ही डालें। और ये देखिए दोस्तों, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा करीब 10 से 12 दिन बाद, महीना भी लग सकता है। दोस्तों देखिए, ये है कॉफ़ी डालने के बाद का रिज़ल्ट और आप ये देख रहे हैं कितने सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ही हैवी फ्लावरिंग ये दे रहा है। ऑलमोस्ट इसके ऊपर अभी कम से कम 15 से ऊपर फ्लावर्स होंगे। ये देखिए फ्लावर्स की हेल्थ भी आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।